आज केयर इंडिया के भी नंबर्स आने हैं और अनुमान यही है कि मुनाफे से घाटे में आ सकती है कंपनी, और जिस तरह से क्रूड प्राइसेस गिरे हैं इस क्वार्टर में उसका रिफ्लेक्शन अर्निंग्स पर दिख सकता है, ग्रॉस रियलाइजेशन भी डिप हो सकती हैं, तो केयर इंडिया एक वीक सेट ऑफ नंबर्स कंपनी पोस्ट कर सकती है। आशीष तातेड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। तीन बड़े नंबर्स आज आने हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज और केयर इंडिया, इन दोनों ही अर्निंग्स को लेकर आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं, और एक स्टॉक पर अगर आपको बेट करना हो तो वो कौन सा रहेगा प्योरली अर्निंग्स के लिहाज से आज के लिए? जी, अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं और स्टॉक रिएक्शन की बात करूं, चाहे वो रिलायंस हो या केन हो, तो दोनों पे ही कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, पॉइंट नंबर वन। अगर आप रिलायंस की बात करो तो हमारा अनुमान करीबन 7480 करोड़ का है इन टर्म्स ऑफ पैट फॉर रिलायंस, और साथ में जो सिंगापुर मार्जिन हम देख रहे हैं वो $12 करीब का देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट बहुत नीचे एस्टिमेट कर रहा है वजह से दिस टाइम जो चेंजेस आए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो हमको लगता है वो होगा कि किस तरह से रेल जियो के ऊपर रिलायंस बात करेगी, क्योंकि हमें हमारा जो गैस वर्क है वो ये कहता है कि टिल रेल जियो, चाहे वो आईपीओ प्लानिंग हो या लॉन्च हो, तब तक रिलायंस अच्छा पैसा देगा और हमारी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग इस पर रहेगी, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से हम इसको खेलने की राय नहीं देते हैं। ऑन अदर हैंड केन लाजमी है कि द स्टॉक हैज परफॉर्म फ्रॉम 125 जब वो 26 जनवरी का लेवल था, और आज 150-155 के बीच में घूमते रहता है, एंड दैट इज वी थिंक कि हैज फैक्टर्ड इन द गुड्स ऑफ हैविंग ह्यूज कैश इन देयर बैलेंस शीट, तो वो एस्पेक्ट ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं रिजल्ट के ऊपर वो न्यूट्रल इम्पैक्ट देगा, ज्यादा गिरावट आनी नहीं चाहिए, अगर आती है तो दैट विल बी अ बेहतरीन मौका होगा खरीदारी करने का, क्योंकि आज भी कंपनी के पास ऑलमोस्ट इक्वल 80% ऑफ मार्केट कैप कैश लिक्विडिटी में खड़ा है, एंड जैसे $44 ऑलरेडी हो चुका है, जो हमारा अनुमान था कि साल के एंड तक 48 से 55 तक जाते हुए दिखेगा, देयर इज अ वन टेक्निकल करेक्शन दैट इज ड्यू जो $37 तक लेके जाएगा क्रूड को, आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर सच स्टॉक्स। जी सिमी, आपको क्या लगता है? आई मीन देखिए, नतीजे जो तो आने हैं सो आने ही है, लेकिन मैं अगर रिलायंस को ही ले लूँ, केन को ही ले लूँ, और इसमें तीसरा स्टॉक अपनी मर्जी से और जोड़ लेता हूँ ONGC, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से नतीजे कैसे भी रहे, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, इन तीनों स्टॉक्स में से सबसे अच्छा चार्ट कौन सा लगता है? मैं ट्रेडर आदमी हूँ, मेरे को नतीजों से कोई मतलब नहीं, जैसे भी आगे देखी जाएगी, क्या खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, जिसमें मैं 2-3% 5% का स्विंग ले सकता हूँ? आपके स्क्रीन पे पूरा ऑयल एंड गैस पैक पड़ा हुआ है, रिलायंस, ONGC, गेल, केन, अपस्ट्रीम कंपनी का पूरा खेमा, इसमें से सबसे बेहतरीन चार्ट कौन सा है? देखिए वीरेंद्र, सिर्फ खराब चार्ट ONGC का है, उसको अवॉइड करेंगे, बाकी सारे चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा खराब नंबर नहीं आया तो सारे में रिकवरी आ सकता है। इनफैक्ट रिलायंस एक मेजर सपोर्ट के आसपास मेंटेन कर रहा है, 1035 से 1025 ये रेंज अगर होल्ड होता है तो रिलायंस में यहाँ से 50-70 पॉइंट का रैली दिख सकता है, एक या दो ट्रेडिंग सेशन में पॉसिबल है। केन इंडिया रिजल्ट थोड़ा सा खराब आ सकता है, जैसे दीपाली ने कहा थोड़ा सा डिप्रेशन दिख सकता है, पर मुझे लगता है कि चार्ट में जितना स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा नीचे ये स्टॉक मेंटेन करने वाला नहीं है। इनफैक्ट ये स्टॉक अगर 140 से 135 के बीच में मिलता है, वो बहुत मुश्किल से भी मिलता है, तो वहाँ पर खरीदारी करने का ही मैं राय दूंगी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी 160-165 का रेंज का जो जहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था वो रेंज क्रॉस करके निकलने वाला है, थोड़ा बहुत अगर सपोर्ट मिल जाता है रिजल्ट से तो बहुत अच्छा होता, नहीं तो नीचे मिलने से खरीदारी करने का ही सलाह दे रहे हैं। गेल एक जो तीसरा स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि बाइंग करनी चाहिए, इसमें एक मेजर ब्रेकआउट आ चुका है, ये कोई भी डिप में ऊपर लेना चाहिए, इसमें मेरा टारगेट इनफैक्ट 440 का है, यहाँ से अगर कोई मीडियम टर्म के लिए कोई स्टॉक खरीद के पोर्टफोलियो में रख रहे हैं तो मुझे लगता है कि गेल इसमें शामिल होना चाहिए, 440 का टारगेट है मेरा।